कैसा दिखता रहा मैं? अन्ना बहुत अच्छा दिखता है। अरे क्या पोट हुआ रहा मेरा, क्या बोल? वेरी गुड अन्ना। अरे क्या दिखता रहा मैं इस फोटो में? कैसा आप तो हीरो लगता ना। मैं हीरो दिखता? तेरे को मैं हीरो दिखता? मेरे को उल्लू बनाता तू? मेरे को नहीं पता मैं कैसा दिखता, कैसा दिखता मैं बोल। अन्ना अन्ना आप बिल्कुल विलेन दिखता अन्ना। यू मैं तो बिल्कुल सही बोला रे, घबरा तक आय को। अन्ना मेन विलेन गब्बर सिंह का टेरर सिर्फ रामगढ़ में, और अन्ना का टेरर अक्का इंडिया में। सही बोला ना रे? सही बोला। मैं 4 बरस का था तभी से पिक्चर देखना शुरू किया, सिर्फ विलन लोगों का काम ये था। मेरा विलन बनने का बहुत शौक था, एक डायरेक्टर भी मेरे को चांस दिया रे, मेरे को बोला अन्ना इस आदमी को मारने का, मैं मार दिया रियल में। उसके बाद मेरे को कभी चांस से नहीं दिया, तो ठीक है अन्ना को पिक्चर में चांस नहीं मिला तो रियल लाइफ में मैं विलन बन गया। अरे मेरा मुन्ना मेरा राजा, देख तेरे को देख के मेरा छाती कितना चौड़ा हो गया रे खुशी में। अरे को नारियल पानी लाओ रे। तू कैसा? तो ठीक रे? मैं ठीक हूँ अन्ना, लेकिन अन्ना मैं तो डर गया था, मेरे को लगा कि सारा जिंदगी अभी मेरे को जेल में निकालना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे को 24 घंटे में छोड़ा लिया। अरे तेरे को छोड़ेगा मैं? इसको छोड़ेगा मैं? अरे तू मेरा खास आदमी है, मेरा जिगर का टुकड़ा रे तू, मेरे आंख का टंडक रे तू। पर जैसे तेरा पता चला मैं सीधा होम मिनिस्टर को फोन किया, उसके घर पर 20 पेटी फेंका और बोला मेरा आदमी मेरे को बाहर होना। और देख तू मेरे सामने 2,20,00,000 का पड़ा तू, 2 करोड़ माल का 20,00,000 तेरे को चुराने का। हाँ ना, पगला कैसे गया रे तू? उधर एयरपोर्ट पे 2 टपोरी लोग मेरे को नकली ऑफिसर बन के मिल गया ना, और इतने में एक रियल ऑफिसर भी आ गया। उड़ा देने का था, मार देने का था उसको। पुलिस वाले को तो मैं उड़ा दिया ना, लेकिन वो दोनों टपोरी लोग की वजह से मैं पकड़ा गया। पकड़ गया रे तू? इसका मतलब है अन्ना को तेरे को आजाद करना पड़ेगा। मैं समझा नहीं। अन्ना तेरे को आजाद करेगा। वो दो टपोरी कौन है मेरे को पता करके बताना। आलोचा लग रहा है, मौसम बड़ा बेमान है, आने वाला कोई बेमान ठीक है। आंधी आ गई क्या? ये क्या लोचा है? लगता है तेरे को पूछ रहा राजा। और कहां राजा? वो ऊपर है। ए आने दे, आने दे, आने दे। अरे सटक के, अरे सटक रे। अरे मामा उठ, ए मामा उठ। अरे उठ जा, लेते दुनिया से उठ जाएंगे हम लोग। अस्पताल से उठा ले क्या? दारू भी खराब हो गया था ना, वही छोड़ के आने का था। अरे ए उठ पड़ो, ऐसे मत बोल उस्ताद, अपना इसको उठा ले। क्या नहीं बोल रहा बेटा? ए मामा उठ ना। अरे चल उठा तू। अरे आ गए रे, ए सजा अरे कर लो रे बुड्ढा साला। निकल के बोल रहा ना, ए चले भाग। वो देखो भाग रहे हैं, चलो। ए भाग उठ ना, भाग उठ ना, ए भाग उठ। ए जिंदगी खिलौना हो गई है। ए ए इधर इधर इधर। रास्ता क्यों रोक दिया? आपकी तारीफ। तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, काला बना के मुझको गोरा इसे बनाया। अरे यार अपना डायलॉग छोटा करो ना, जल्दी में थोड़ा। किधर जाने का रे? अन्ना से बच के किधर जाने का? दुनिया में ऐसा कोई जगह होगा जिधर मौत नहीं पहुंच सकता, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं जिधर अन्ना नहीं पहुंच सकता। अरे लेकिन हम लोगों ने किया क्या? क्या किया अन्ना? मेरा 2 करोड़ का माल एयरपोर्ट में पकड़ाया तू, उसका भरपाई कौन करेगा रे? हम लोग करेंगे ना। करेंगे ना? तू करेगा? हाँ। ये करेगा? हाँ। कैसे करेगा? ऐसे। ए! 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 मच मच नहीं बनता, उड़ा डालूंगा। क्या हंस क्या रह ला है? ए लाजक नहीं बनता, छेकी छे उतारा दूंगा खोपड़ी में। अरे गोली मार, भागना चाहता है तो भाग जा तू। अन्ना से भाग के जाता तू? चला अभी तक क्रिकेट टाइट है, कहीं परमानेंटली टाइट नहीं हो गया इधर ना मामा। हां क्या है? हमारा है माजी, हमारा है। हमारा गठरी? अरे हमारा थैला है, लेकिन ये अकेला है माजी। इसमें हमारा मामा है। ये मामा है हमारा। पति? हां हमारा पति माजी। हमारे पास 3 टिकट है। ये बिना टिकट के है? बिना टिकट? हां हां बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रही, चेक कर लेंगे।
अरे ये हमारा मामा है। अरे माजी माजी ये मामा है, हमने अपने हाथ से अंदर डाला, माजी हाथ से डाला है मामा, माजी मामा मामा डाला था तो सही था, ऐसा कैसे निकला? मामा नहीं है, मामा मामा ए मामा चला पार्टी वा, ए माता क्या देखता है, चल पीछे चला भागे वा, भागे वा, पीछे 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 पीछे। हवलदार साहब ये पोटली में क्या है? अरे बम रह सकता, कुछ भी रह सकता, आप लोग पीछे हटो, चलो चलो भागे वा, भागे वा, ए चलो पीछे चल चलो। ए भांजे एक कप चाय लाना, जल्दी लाना। पहले कभी आदमी नहीं देखा क्या? हैं? ए भांजे ए कन्नो कहाँ हो तुम लोग दोनों? ए भांजे ए कन्नो कौन सी जगह है? मुंबई है। बम्बई है? ये महिला बम्बई कैसे पहुंच गया? मैं बम्बई है। महिला मुंबई ने कैसे क्या पहुंच लो? गुड मॉर्निंग सर मेरी हैसियत तो नहीं है, फिर भी अपनी खुशी में आपको शामिल करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। फरमाइए सर। 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी, ये उसका इनविटेशन कार्ड है। आप बेटी के सर पर अपने आशीर्वाद का हाथ रख देंगे तो उसका जीवन सुखी हो जाएगा। सर 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 मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए सर। नहीं नहीं, कैसी बात करते हो कैलाश नाथ? मैं ऐसे कहीं खो गया था। बुजुर्गों कहते सुना था कि बेटी की शादी बाप के लिए स्वर्ग जाने की सीढ़ी होती है, तुमने सीढ़ी पा ली, बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ बदनसीब बाप ऐसे भी होते जिनको सीढ़ियां नसीब नहीं हो पाती, बहुत मुबारक हो। मिस्टर बगेंजा? यस सर। दूल्हा दुल्हन के हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड के सबसे शानदार होटल में एक हफ्ते के लिए स्वीट बुक कराओ जी। उनके आने जाने का खर्चा, शादी का पूरा रिसेप्शन कंपनी की तरफ से होगा। ओके सर। ये शादी हमारी तरफ से मिस्टर कैलाश नाथ को तोहफा है। अब देवता है मालिक। अरे रे, क्या कर रहे हैं आप? देवता क्या, इंसान इस दुनिया में इंसान बनकर रहे यही उसके लिए काफी है। लोग समझते हैं कि दौलत से दुनिया का हर सुख खरीदा जा सकता है। मुझे देखो, मेरा दौलत की कोई कमी है? बिल्कुल नहीं। इतनी दौलत है कि गिनने की फुर्सत नहीं, मिट्टी पे हाथ रखूं तो सोना हो जाता है। माशाल्लाह। मगर क्या है मेरे पास, मैं अगर चाहूं तो एक एक दामाद को मोतियों में तोल के घर ला सकता हूं, पर क्या करूं, मेरी कोई भी बेटी शादी के लिए तैयारी नहीं होती। अब तुम बताओ कि कौन ज्यादा अमीर है, मैं ये मेरे ऑफिस का क्लर्क कैलाश नाथ? मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है जनाब। एक दिन आप ही ने मुझसे कहा था कि उसकी कुदरत कब करवट लेगी ये वही जानता है, और आप शायद भूल रहे हैं कि आज अमेरिका से राजू पटेल आ रहे हैं। आपके इटली के दोस्त ने कहा था ना कि वो आएंगे और आपकी बेटियों में से किसी एक को पसंद करेंगे। चलिए ना एयरपोर्ट चलते उनको लेने। अरे जाने दे, क्यों किसी शरीफ लड़के की हालत बिगाड़ना चाहता है? इससे पहले 50 लड़के आए, उनका मेरी बेटियों ने क्या आशर किया याद है ना? वो बेचारा शादी के अरमान लेकर आ रहा होगा, और मेरी बेटियों को अगर पता चला कि वो शादी के लिए आ रहा है तो उसका वो हजर बना देंगी, या तो अस्पताल में होगा या पागलखाने में होगा। जाने दे। आपकी इजाजत हो तो एक शेर कहूं। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वो सब इंडियन थे, ये इंपोर्टेड है। राजू पटेल मेड इन अमेरिका। आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया, वतन मेरा इंडिया, बोले तो चमन मेरा इंडिया। ए बिड़ू, यहाँ पर बहुत सोच समझ कर काम बजाना पड़ेगा। क्या ये मुंबई है? मुंबई भाई लोग की नगरी है, और ऐसी जगह है ना यहाँ भाई लोग नहीं होते फिर भी यही होते हैं। तो समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ गया यार, मतलब तो शक्ल से ढक्कन लगे हैं, उसी का बूझ खोलने का ना। हाँ पकड़ लिया, तो पकड़ लिया एकदम। उसको देख, उसको देख। हाँ ये कैसा दिख रहा है अभी, बगैर एड्रेस का लिफाफा है ना। हाँ इसको कोपचे में लेके इसका काम जाना नहीं। ठहर ना, आना आना आना। हाँ जी हाँ जी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, तुम्हारे सामान की तलाशी लेनी है। क्यों?
सो नहीं सुशु राजू पटेल मोटा भाई बोले तो मेरा कपड़ा है मालूम है ये पासपोर्ट कहाँ छपवाया अरे मेरा पासपोर्ट तो मैंने आपो अरे वो है रेशु ये मेरे कहा से आया हूँ भाई मैयत में आया क्या शादी के लिए आया भाई अच्छा बर्बाद करने के लिए अमेरिका में कोई मिली नहीं तेरे को नहीं मोटा भाई अभी बोले तो क्या है ना मेरी माँ है ना मरते वक्त मेरे को बोली कि बेटा शादी करना तो किसी इंडियन से करना इसीलिए मैं अपना सारा कमाई ना बचा कर यहाँ इंडियन लड़की से शादी करने को आया मेरी माँ कितनी खुश होगी ना ये ए, नहीं चलो तुम मुकर चलो हमको भी बुलाता है कपड़ा है मेरा सारो कपड़ो छे मारो भाई मालूम है ये क्या है क्या ये क्या है क्या है ये आप ही ने रखा होगा भाई मेरे को आईने में से तोड़ा लगा भाई ये कोकीने में लेके घूमता हूँ तेरे को मालूम है इसकी क्या सजा है भाई अबे तेरे को कानून की दफा कई दफा लगेगी इतनी दफा लगेगी कि तू दुनिया से दफा हो जाएगा भाई भाई क्या फिर ऊपर जाके शादी कर खर्चा भी नहीं लगेगा तेरे को भाई मेरी माँ मेरे को अबे चुप तेरी माँ क्या तेरे को नमक लेके कोकीन लेके घूमने को बोली तेरे को भाई चल करके रोला मैडम को चश्मा निकाल टोपी निकाल पैंट निकाल चल शर्ट निकाल चिपकी हुई फिदा मियां अमेरिका की फ्लाइट को आकर जमाना हो गया है कहाँ है ये आपके राजू पटेल साहब हम लोग तेरे गिरोह को पकड़ने के लिए बाहर जा रहे हैं अगर तूने जरा भी होशियारी जबकि तू होशियार नहीं है फिर भी कोशिश की अगर तूने तो 200 साल की सजा और 6-7 बार तेरे को फांसी लग सकती है बेटे अभी बोले तो भाई मेरी माँ मेरे को बबुल तेरी माँ ने जो तेरे को पैदा की ना उनको भी सजा लग सकती है ए भाई मेरी शादी की बात की तो तेरे बाप को भी लग सकती है भाई तेरे बाप को टाइम कहाँ से मिला तेरे लिए यार बहुत सी बातें हैं बेटे समझा कर खामोश रहने का देख साहब क्या बोल रहे हैं ठीक से सुन ले ज्यादा बोलती नहीं है वो ए भाई मेरे चुप चुप हां भाई हिलना नहीं भाई मैं तो उंगली मत हटा चुप चुप इंडिया ए भाई आज का दिन है बड़ा महान कपड़े मिल गए बच गई जान वेलकम मिस्टर राजू पटेल फ्रॉम अमेरिका यकीर बंदा फिदा हुसैन दहलवी सरजमीन हिंद पे आप दोनों का खैर मकदम करता है और आपकी खिदमत में 3 फर्शी सलाम पेश करता है आपका भीख मांगने का स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगा इनको पावली दे दो ला हौल वला कुव्वत जनाबे वाला मैं तो आपकी खिदमत में नजराने अकीदत पेश कर रहा था हकीकत देखी थी उधर मंदिर वाली तो बहुत अच्छी थी अजय देवगन वाली भी काफी अच्छी थी जनाब 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 मैं ये कह रहा था कि आपके होने वाले ससुर आपको लेने के लिए तशरीफ लाए होने वाले ससुर मैं धनेश्वर पीताम्बर आपके अंकल ने मेरे बारे में बताया होगा ऑफ कोर्स बताया था तभी तो हम लोग आए ना मालूम था ना कि आप रिसीव करेंगे ने कैसा रहा सफर आप लोगों का कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं कोई आता नहीं कोई जाता नहीं कोई टेंशन नहीं मौसम फर्स्ट क्लास था आ गए एकदम कपड़े भी आ गए पूरे एकदम आपकी तारीफ ये अपना पंटर है बॉस नहीं बोले तो अपना भाई है अकन्नू भाई सर गाड़ी आ गई है नहीं मुझे इजाजत दीजिए कमाल की कौड़ी फंसी यार भाई ये तो अपन लोग को राजू पटेल समझ के लेके जा रहे हैं यार समझने दे जाके उनको भी समझेंगे मालदार पार्टी चलो आगे चला आ जा